तो वेलकम बैक। तो दोबारा वंस अगेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोको का एम्पलीफायर और इंटरफायर 555 है जो रन करेगा हमारी ओरा की मिड रेंजेस। ओरा की 121 आरएमएस वाली मिड रेंज है। मोको है जो रन करेगा हमारा आईएनडी ऑडियो का 1000 वोल्ट आरएमएस। इसकी हम पैरेलल वायरिंग कर रहे हैं और ट्यून्ड बाय आईएनडी ऑडियो। बॉक्स भी इसी वूफर के हिसाब से है कि हम वायर यूज़ कर रहे हैं। वायर्स में हमने स्लीव्स डाली हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, वायर कटे फटे कहीं से भी नहीं। वायर हम यूज़ कर रहे हैं मेगा ऑडियो की, 16 गेज की वायर है। तो इस वायर के अंदर हमने स्लीव्स चढ़ा दिए हैं ताकि हमारी स्पीकर वायर्स को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और हमें इंस्टॉलेशन में भी कोई दिक्कत ना आए। वायर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी 4 mm की हमारी ओरा की वायर आती है, बहुत बढ़िया वायर है। तो ये पूरा रोल 5 मीटर का आता है। हाल कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना लेंदी मीटर वायर लेने वाला है। अगर बॉक्स को उसने डिग्गी में से उतार के साथ रखना है तो 2-3 मीटर वायर आराम से ये लग जाती है। तो ये पूरा पैक्ड आता है। तो आप मेरे को इंडिविजुअल चाहे तो ये भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो या व्हाट्सअप नंबर मेरा ऑलवेज स्टार्टिंग की वीडियो में और एंड में आपको मिल जाएगा। हमारा स्टॉक है जो मारुति वाला देते हैं, प्लस हम स्कोचे का ही हम कन्वर्टर यूज़ करते हैं। आरसी कन्वर्टर है, 4 चैनल वाला कन्वर्टर है, अच्छा कन्वर्टर है ये। और ये थे हमारे जो कंपनी फिटेड है, फिलहाल ये भी अच्छे होते हैं, अच्छा साउंड प्रोड्यूस। हमारा आईएनडी ऑडियो 1000 वोल्ट आरएमएस क्या कमाल दिखाता है, प्लस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हो गया है और हमारी ओरा की मिड रेंज। चलो फिर इंस्टॉल करते हैं। वायरिंग हो गई है कम्प्लीट। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा पीछे लग गया है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। इसकी वजह से काम बहुत ईजी हो जाता है हमारा। तो यहीं से हमारी सारी एम को वायरिंग जाती है, सारा सब कुछ जाता है। और फिलहाल तो आप ऐसे इसको कर सकते हो तो बढ़िया तरीके से माउंट हो जाता है। और रही बात सबवूफर की, सबवूफर का भी साइज़ हमने इस हिसाब से रखा है कि भाई को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर एक चीज़ में स्लीव चढ़ाई है, पावर वायर हो चाहे ग्राउंड वायर हो चाहे स्पीकर वायर हो। इन केस कह रहा हूँ, अगर कोई दूसरे भाई किसी और के पास जाता है, कुछ भी है वट एवर, तो उसको भी रीइंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ स्लीव्स को हटाना है आपने और सीधा दोबारा डायरेक्ट पावर ये सारी चीज़ें डाल सकते हो आप। तो चलते हैं, बारी है हमारे इसके प्रैक्टिकल की। आईएनडी का 1000 वोल्ट आरएमएस का सबवूफर है, बेस्ट सबवूफर है। ओरा की मिड रेंज लगाई है, बेस्ट बढ़िया क्वालिटी की। अभी बुलेट ट्यूटर्स के अंदर अवतार गया, हम पंखोड़ियों को देखते हैं, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी वो देख लेते हैं। मैंने वायरिंग छोड़ दी है फिर भी, इन फ्यूचर अगर भैया लगाते हैं, अभी थोड़ी देर में लगाते हैं तो वो चीज़ हो जाएगी। चलो फिर चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। आईएनडी का 1000 वोल्ट आरएमएस और इंक्लोजर भी डिज़ाइन बाय आईएनडी ऑडियो है। भैया को बोलूँगा एक बार ये ऊपर कर देंगे। सो तरीके से आ गया, सारा सब कुछ है। तो फिलहाल चलते हैं प्रैक्टिकल का टाइम, और मौसम भी बड़ा सुहाना हो गया भाई साहब, आज तो टाइम पे काम हो गया भैया, वरना तो दिक्कत होने वाली थी। काम कैसा हुआ? काम भैया बहुत बढ़िया काम, और भैया ने भी बहुत साथ दिया है। 0-0 वायरिंग है और भैया को साथ लेके किया है। वजह ये है कि इन फ्यूचर अगर ये खुद भी कुछ करना चाहें तो आप भी पता रहेगी कि हमारी वायरिंग कहाँ से गई है, कहाँ है। तो मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर या कस्टमर आते हैं तो उनको साथ में ले लेता हूँ कि सामान देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर कुछ उनको अपने तरीके से काम कराना है तो वो भी करा सकते हैं, क्यों भैया? बिल्कुल। चलो भाई करें प्ले। चलो ओके। वूफर के लिए स्पीक ऑन लगाया है ताकि आप वूफर्स को उतार भी सकते हो, वन एंड प्ले ऐसे रहेगा ये। तो ये मैं अधिकतर सब में देता हूँ। हाँ, जब मोटा सेटअप हो जाता है, 1200 आरएमएस का सब वूफर हो जाता है या फिर 2000 वोल्ट आरएमएस, तब मैं ये नहीं लगाता, फिर ये फूक जाता है जल्दी। तो एक वूफर के लिए बेस्ट चीज़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में कोई 2000 आरएमएस के लिए भी स्पीक ऑन आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जब आप 2000 वोल्ट आरएमएस लगाओगे तो उसको उतारना चढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों बारिश आ गई बड़ी तगड़ी वाली, पूरा मौसम सेटिंग करने बैठे हुए थे हम, ये हमारे सरदार जी। तो ब्रेक लग गया, हम जब भी सोचते हैं भैया कि हम थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, तो सारा उल्टा हो ही जाता है। सूखने का हम वेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे सेटिंग होते हैं। फिलहाल अभी तो सेट कर दिया है, फिर भी एक दो गाने सुना देता हूँ मैं। करते हैं अभी सेटिंग, थोड़ा क्योंकि गेट खुलने के बाद अलग से वो हो जाता है, हमें मिल जाता है। और वेट करते हैं बारिश सूखने का। ਸੇ ਨਾਲ
मेल ते मलाप नहीं।